पर शनाया से अंक उठाने के लिए कभी कभी मम्मा को आना पड़ता है। नान्या शनाया आ जाओ बेटा लंच टाइम। तो गाइस ऐसे बनाते हैं हम लोग हमारे इंस्टाग्राम रील्स, तो आप लोग भी हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एग्जाम से पहले अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी होता है। अभी 7 o'clock हो रहे हैं। मैं इतनी जल्दी इसलिए उठ गई क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। एग्जाम्स में मैं जल्दी उठती हूँ और सुबह हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, तो इसलिए पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो जाती है। उठो दोनों दोनों, चलो चलो। मैं तो आराम से उठ जाती हूँ पर शनाया से अंक उठाने के लिए कभी कभी मम्मा को आना पड़ता है। आजो 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 बेटा, उठो उठो उठो, आओ बेबी। आप मेरे प्यारे प्यारे बेबीज, आप लोग वॉशरूम में जाओ, ब्रश करो, फ्रेशन अप। मैं आप सबके लिए मिल्क और ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। ओके मम्मा, जाओ। ब्रेकफास्ट में है मिल्क, वेजिटेबल सैंडविच एंड फ्रूट्स। मम्मा साथ में कोला भी दे देना। अच्छा जी, कोला भी दे देना, कोला एग्जाम्स के बाद। गाइस बच्चे कोला, चिप्स, नूडल्स हफ्ते में एक दो बार तो खा ही लेते हैं, पर एग्जाम्स आते ये सब कुछ हमारे घर में बैन हो जाता है। बच्चों को ऐसी चीजें देनी ही क्यों है जिससे उनकी तबीयत खराब होने के चांसेस हो, है ना? हेल्दी हेल्दी खाना चाहिए। ओके बेटा, मैं अभी ब्रेकफास्ट लगाती हूँ और हेल्दी ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। ओके। गाइस इधर बेड पे मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। पहले मैं अपनी पढ़ाई बेड पे बैठ के करती थी, फिर पता है क्या होता था? फ्लैशबैक। End of flashback. तो इसलिए अब मैं चेयर पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ। अलेवन ओ क्लॉक हो गए हैं, चलो कुछ खेलते हैं। हाँ जी, कुछ खेलते हैं। गाइस हम 3 hours से पढ़ रहे हैं और हम थोड़ी देर ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि हम टीवी देखेंगे या फोन देखेंगे। ब्रेक लेने का मतलब ये है कि हम कोई बोर्ड गेम खेलेंगे। मम्मा कहती है टीवी देखने से सारा लर्न किया हुआ हम भूल जाते हैं। चलो कोई बोर्ड गेम खेलते हैं। चलो अनाया शनाया बेटा, आप दोनों आगे की पढ़ाई कर लो। ओके मम्मा। सियान आपका सिलेबस हो गया बेटा? हाँ जी मम्मा। गुड, चलो आप फिर बाहर आ जाओ, दीदी को पढ़ाई करने दो। मम्मा मैं थोड़ी देर ड्राइंग कर लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल कर लो बेटा। सियान छोटा है तो सियान का सिलेबस भी छोटा सा है जो जल्दी जल्दी हो जाता है। ये बस शाम को एक बार दोबारा रिवाइज करेगा और बस फिर इसका हो जाएगा। आओ बेटा बाहर जाके ड्राइंग करते हैं, दीदी को पढ़ने दो। लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम, वेरी गुड। अपनी गेम्स को वाइंड अप करना बहुत जरूरी है, आप भी जरूर करो। ओके आप क्या
कर रहे हो सियानू? अभी मैं ड्राइंग की थी और फिर अभी मैं एक्टिविटी बुक कर रहा हूँ। ओह वेरी नाइस। एक्टिविटी बुक्स करना इज अ वेरी गुड ऑप्शन। फ्री टाइम में एक्टिविटी बुक को एंजॉय करना एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है। ये बच्चों की लॉजिक रीजनिंग को हमेशा बूस्ट करता है। वेरी गुड। अनन्या, शनाया, आ जाओ बेटा, लंच टाइम। मामा, आज लंच में क्या है? आज लंच में आपके न्यूट्रिशन के लिए है फ्रेश जूस विद ग्रीन वेजिटेबल एंड रोटी। मैं अभी टेबल लगाती हूँ। जस्ट देन। और बच्चों, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पापा, मेरे से सोशल साइंस के चैप्टर्स लर्न ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रट्टा मारना पड़ेगा, पर इतना ज्यादा रट्टा कैसे मारूं? अरे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसका एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। अच्छा, क्या है? चलो मेरे साथ। जब आपको लग रहा हो कि मतलब पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है या कोई बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है जो लर्न नहीं हो पा रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में ऑनलाइन सर्च करो। ऑनलाइन आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, मतलब कि पिक्चर्स भी मिल जाती हैं, और उन पिक्चर्स से पढ़ना और समझना बहुत ईजी हो जाता है। okay. और जब आप पिक्चर्स देख के या प्रॉपर सब्जेक्ट को समझ के लर्न करते हो, तो लर्न करना इजी के साथ साथ मतलब आपको ऑटोमेटिकली लर्न होता है और आपको पढ़ाई में बहुत मजा भी आता है। okay. तो फ्रेंड्स, अब बज चुके हैं शाम के 5। तो हमारा जो फैमिली का रूटीन है, मतलब कि जो हम अदर देन एग्जाम्स रूटीन है, हम लोग डेली शूट करते हैं। मतलब डेली नहीं, एटलीस्ट 4 to 5 days इन अ वीक हमारा कंप्लीट शूट चलता है इवनिंग में। तो अभी जैसे कि एग्जाम चल रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ब्रेक बच्चों को देते हैं, मतलब अबाउट हाफ एन आवर, जिसके अंदर हम इंस्टाग्राम की रील्स शूट करते हैं, जिसके अंदर की शॉर्ट वीडियोज है। चले पुनीत? बिल्कुल, चलो आ जाओ, लेट्स हैव सम फन। गाइस, इंस्टाग्राम की रील्स जब हम बनाते हैं ना, तो एक अपने आप एक रिफ्रेशमेंट है हमारे लिए। सब लोग एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, कॉमेडी वीडियोस करते हैं, बहुत मजा आता है हमें इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने का। 3, 2, 1 तो गाइस, ऐसे बनाते हैं हम लोग हमारे इंस्टाग्राम रील्स। तो आप लोग भी हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा अकाउंट है Ramneek Singh 1313। मेरा अकाउंट है Puneet Kochar 1313। मेरा अकाउंट है Ananya Kochar 1313। मेरा अकाउंट है Chinaya Kochar 1313। मेरा अकाउंट है Sian Singh 1313। गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सबके इंस्टाग्राम लिंक्स है, आप सबको फॉलो कर लो यार। तो गाइस, हमारा यहाँ का रिफ्रेशमेंट का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूटीन के फॉलो अप पे। चलो। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, आज हमने हमारा रिफ्रेशमेंट इंस्टाग्राम पे रील्स बना के की है। तो हम ऑल्टरनेट करते हैं, किसी दिन वीडियो शूट कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे, किसी दिन हम गार्डन चले जाते हैं, जैसे खेलते हैं बॉल वगैरह के साथ या पकड़न पकड़ाई या कुछ भी फन टास्क, ताकि बच्चे रिफ्रेश हो जाएं एंड अपनी एनर्जी गेन कर लें वापस पढ़ने के लिए। तो चलो, मजा आया ना? आप लोग रुको, मैं आप लोगों के लिए दूध लेकर आती हूँ। आ जाओ बेटा, मिल्क टाइम। आराम आराम से पियेंगे। चलो बेटा, अब आप फटाफट अपनी रिवीजन करने चलो। गो गो गो। पढ़ाई के बाद शाम को क्विक रिवीजन का सेशन करना है हमेशा एक अच्छा ऑप्शन रहता है। इससे माइंड फ्रेश होता है, मेमोरी रिवाइज्ड रहती है एंड बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हमारी सारी रिवीजन हो चुकी है, अब हम एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आ जाओ बच्चों, डिनर रेडी है, चलो चलते हैं। डिनर में बच्चों को कुछ हेवी नहीं देना चाहिए,
बहुत लाइट होना चाहिए, फैटी चीजें, फ्राइड चीजें तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसा देना चाहिए जो हेवी भी ना हो पर न्यूट्रिशन दे। खा लिया बेटा? हाँ जी मम्मा, आज का डिनर बहुत टेस्टी था। वेरी नाइस, अच्छे से खाया ना? हाँ जी मम्मा। अच्छा अब ऐसा करो, चलो अब सारे अपना बैग सेट कर लो। ओके मम्मा। आज बच्चों आप लोग सारे ध्यान रखना, एक्स्ट्रा पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्मॉल स्केल सब कुछ होना चाहिए आपके बैग में, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। एग्जाम टाइम में सब कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा रखकर चलो। ओके ओके, चलो आप लोग बैग सेट करो, मैं तब तक आप लोगों की यूनिफॉर्म निकाल देती हूँ ताकि कल सुबह भागो भाग में कोई चीज रहनी नहीं चाहिए। ओके मामा। ओके एग्जाम से पहले अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी होता है। अगर हम अच्छी नींद नहीं लेंगे तो एग्जाम में कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। ओके देन, गुड नाइट, सी यू टुमारो। और मम्मा कहती है हमें 8-10 आवर्स की स्लीप लेना बहुत जरूरी है। गुड नाइट। तो गाइस बहुत सिंपल है, बच्चों का खुश रहना, बच्चों का हेल्दी रहना एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है। गाइस बच्चों का हेल्दी रहना सुपर 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 जरूरी है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि एग्जाम डेज में आप ऐसे स्पेशल क्या कर सकते हैं, हम आपसे जरूर सीखना चाहेंगे। कमेंट डाउन बिलो। यस गाइस कमेंट करो यार, आप ऐसा क्या अपने रूटीन में कुछ अलग करते हो या कुछ बेस्ट करते हो जो हम भी अपने बच्चों को करा सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस सही या गलत पार्ट 2 लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीत सिंह 1313 पे। गाइस आपने जरूर जाके चेकआउट करना और डिसाइड करना है कि सही या गलत। वीडियो देखने के लिए क्लिक किया, क्लिक क्लिक क्लिक। बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो है इस बारी।